क्या ये सोच रही इतना लंबा? अच्छा ज्योति से बात हुई? नहीं बस करने वाली हूँ, मैं फोन लगाती हूँ। फोन ही नहीं उठा रही है। फोन लगाती हूँ, कोई फोन नहीं उठा। मैंने घर पे भी फोन किया था, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी देर में ट्राई करती रहे। जब ना लगा तो फिर मैं ज्योति के घर चला जाऊंगा। ज्योति से के बाद आपको ही आना, ठीक है? मुझे चिंता हो रही है। ना ना तू चिंता मत। ताजा खबर, ताजा खबर, ताजा खबर। पापा मैं ताजा खबर लेके आया हूं आपके लिए। सुधा जी कितना बड़ा काम करके आ रही है, पेपर उठा के आए भाई साहब। वाह 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 वाह, तेरे हाथ पैर दुख रहे होंगे ना, आ जा दबा दूं। मैं आराम कर लेता हूँ। रख 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 रख। क्यों हुआ बेटा, आज सुबह सुबह दो बार ये पैर छूने की क्या जरूरत पड़ गई? आशीर्वाद जी, कुछ मेरे परीक्षा का परिणाम मेरा दिल है ना वैसे धक धक हो रहा है कि अगर नींबू मिर्ची भी टांग दो तो भी किसी ना किसी की नज़र लगी जाती है। आपको पता है कल पूरी रात मेरे को ना परीक्षा के डरावने डरावने सपने आ रहे थे। मैंने ना वो दूरबीन के जैसे आँखों को आगे पीछे किया, लेकिन फिर भी सब कुछ पता नहीं क्यों धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा। अरे भाभी आप टेंशन मत लो, आपके नंबर अच्छे ही आएंगे। और वैसे भी वीर भाई ने स्पेशल पढ़ाई जो कराई थी आपको, क्यों वीर भाई? अच्छे से रिजल्ट करा। यही भवा बेस्ट ऑफ लक भाभी, बेस्ट ऑफ लक बनने का। अरे कैसी है ये भाभी। पर एक बात तो है, चलो बिल्कुल भी नहीं है इस घर की ही। इसके बारे में जानना चाहिए कि आज क्या ड्रामा चल रहा है आपके शो में, किसी से नाराजगी है, दांत की चाय भी हो रही है, गुप्त है, किसी ने क्या है? तो बेसिकली सारी प्रॉब्लम्स थी वो मोस्टली खत्म हो चुकी है, पर एक नई प्रॉब्लम सामने आ चुकी है पॉस्को एक्ट वाली कि बुलबुल चाची के दिमाग में अब कहीं ना कहीं फिर से ये बात आ चुकी है कि वो नाबालिग है। पर हमने जो एग्ज़ाम दिया था उसका रिजल्ट आ चुका है एंड मैं और बुलबुल चाची बड़े एक्साइटमेंट से, बड़े डर के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं कॉलेज में हमारा रिजल्ट लेने के लिए। एंड सब लोग हमें वेल विश करते हैं, सब लोग हमें ऑल द बेस्ट विश करते हैं। एंड वही हम देखते हैं कि ज्योति बुआ और उनका कॉल नहीं लग रहा है, तो थोड़ी सी टेंशन है कि शादी तो अच्छे से हुई थी, फिर ऐसा क्या हो गया कि वो लोग कॉल नहीं उठा रहे, वो लोग बात नहीं कर रहे, तो थोड़ी सी वो टेंशन है। बाकी दूसरी टेंशन ये है कि यार बुलबुल चाची नाबालिग हैं एंड वीर चाचू और उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही है, तो कैसे ना कैसे करके बुलबुल चाची को भी दूर रहना है और ये ट्राई करनी है कि वो वीर चाचू को इन सब चीज़ों में फंसाया नहीं। तो वही चल रहा है, जाना है कॉलेज एंड देखना है कि रिजल्ट क्या आता है एंड रिजल्ट के बाद बुलबुल चाची का रिएक्शन क्या होता है। तो बेसिकली जब सुलक्षणा जी ने बुलबुल को मना किया था कि तुम कोर्ट में मत जाना, तुम केस मत लड़ना, तब भी बुलबुल चाची कोर्ट में गई एंड उन्होंने हम सबका साथ दिया, हमारे लिए केस लड़ा एंड उस प्रिंसिपल को सज़ा दिलवाई। लेकिन एक अच्छा हुआ कि उन्होंने किसी की किसी का फेस सामने नहीं आने दिया, किसी का चेहरा सामने नहीं आने दिया, किसी की आइडेंटिटी सामने नहीं आने दी। तो पर लेकिन फिर भी सुलक्षणा जी खुश हैं कि उन्होंने मेरी पहचान बचाई, उन्होंने मेरी इज्जत बचाई, हमारे घर की इज्जत बचाई। लेकिन वो थोड़ी सी गुस्सा है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि तुम कोर्ट में क्यों गई जब मैंने मना किया था, जब कहा था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम ऐसी समाज सेविका नहीं बनोगी, फिर भी तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तो वही थोड़ी सी सुलक्षणा जी गुस्सा है। अब देखते हैं क्या होता है।